आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। ठीक, बात की जाए हार्ट अटैक क्या होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हार्ट अटैक का मतलब जो है हमारा जो हृदय है उस पर जो है लोड जब ज्यादा पड़ने लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। अगर बात की जाए हार्ट अटैक जो हमारे शरीर में होता क्यों है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदार होता है हमारे शरीर के लिए असंतृप्त वसा। क्या होता है? असंतृप्त वसा। ये क्या होता है? तो असंतृप्त वसा जो है ये एक तरीके का जो है वसा है। क्या है? वसा है। तो वसा जो स्पेशली दो टाइप का होता है, एक होता है संतृप्त वसा और एक होता है असंतृप्त वसा। दूसरा क्या है? असंतृप्त वसा। अब दोनों में अंतर क्या है तो ध्यान दीजिएगा, संतृप्त वसा जो है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, ठीक है ना, और असंतृप्त वसा ये जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक, बात की जाए अगर कारण की तो ये संतृप्त वसा जो है ये हानिकारक नहीं होता है। इसका कारण अगर पूछा जाए तो इसका पाचन जो है हमारे शरीर में आसानी से हो जाता है। बस नहीं, संतृप्त वसा जो है हमारे शरीर में आसानी से पच करके जो है समाप्त हो जाता है, और वहीं असंतृप्त वसा जो है ये हमारे शरीर में जो है इसका पाचन नहीं हो पाता है, और अगर इसका पाचन नहीं हो पाता है तो ये हमारे शरीर में जो है हर्ट में जाकर जो है नलिकाओं में जमा होने लगता है, जिस कारण जो है वहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई पदार्थ जमा होगा तो जैसे मान लीजिए हमारा खून का नली है कोई, मान लेते हैं इसमें जो है रक्त बहता है, अब इसमें मान लीजिए रक्त बहता है, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि घर वाला पाइप जो होता है तो जहाँ आके पानी गिरता है, इसे मान लीजिए पाइप का जो है घर के बाहर निकला हुआ भाग है, ठीक, तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कुछ ऊंचाई पर जमीन पे एकदम नहीं है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब पानी आके जमता है तो यहाँ कुछ कचरा जम जाता है, इसे होता है ना निचले भाग में, मान लीजिए यहाँ से पानी आके बह रहा है ऐसे, ठीक, तो आप देखेंगे ये वाले नीचे वाले भाग में कुछ कचरा जम जाता है, नहीं जम जाता है, जम जाता है, तो वो अगर कचरा जमेगा तो पाइप की जो चौड़ाई है, पाइप के अंदर जो खोखला स्थान है वो कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना, जब कम हो जाएगा तो अगर मान लीजिए इस पाइप में से जब ज़्यादा पानी बहाया जाए तो पूरे भाग में से पानी निकल पाएगा कि इस जमे हुए भाग के ऊपर से बहेगा? जमे हुए भाग के ऊपर से, मतलब ये जो कचरा जम गया है ये अपने अंदर से पानी थोड़े नहीं जाने देगा, जाने देगा नहीं, जाने देगा। इस केस में क्या होता है कि लगभग सेम प्रोसेसिंग जो है हार्ट अटैक वाली बीमारी में होती है कि जब कोई व्यक्ति जो है असंतृप्त वसा का प्रयोग करता है। अब असंतृप्त, आप लोग सोचेंगे यार हम तो सरसों का तेल खाते हैं, शुद्ध सरसों वाला, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सरसों का जो तेल होता है, ठीक है ना, उसमें भी जो है केवल 12% संतृप्त वसा, 12% क्या है संतृप्त वसा है, बाकी सारा का सारा क्या है, बाकी कितना बचा 82 के बाद ये 88 90, ठीक है ना, ये 88% इसमें भी क्या होता है असंतृप्त वसा होता है। बात समझ गई? कोई दिक्कत? मतलब बता रहे हैं, असंतृप्त वसा 88% है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति आज के डेट में सरसों का तेल यूज कर रहा है वो भी सुरक्षित नहीं है, मतलब वो हार्ट अटैक से दूर नहीं है, उसके भी शरीर में हार्ट अटैक हो सकता है। देखिए संतृप्त वसा जो होती है इसकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, संरचना कैसी होती है तो सरल होती है, बात समझे, और असंतृप्त वसा की जो संरचना होती है वो कैसी होती है,
तो जटिल होती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा अपने बाह्यतम कोष में जो है संयोजकता को पूरा करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरा करता है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक बनता था ना, तो यहाँ पे जो है सेम मामला है कि संतृप्त वसा जो होता है इसकी संरचना आसान होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो सरल होती है, आसान होती है, और यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। कारण की बात की जाए तो इसका पाचन हमारे शरीर में आसानी से हो जाता है, और वहीं अगर बात की जाए असंतृप्त वसा तो यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और हानिकारक होता तो इसकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है, और इसका हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाता है। जब हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होता है तो ये हमारे शरीर में जो ना, जैसे मान लीजिए रक्त की नली है, ध्यान दीजिएगा ये रक्त की नली है, तो इसमें जो है एक वर्ड आप लोग सुने होंगे कोलेस्ट्रॉल, सुने हैं जी कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे मान लीजिए आप जो है तेल ज्यादा खाते हैं, वसा ज्यादा खाते हैं, इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए यहां से जो है रक्त जो आगे जाता है तो ये क्या करेगा, इसका जो ये खोखला वाला स्थान है ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत भर लेगा, आके जमा हो जाएगा। जब जमा हो जाएगा तो यहाँ से मान लीजिए जब रक्त पीछे से पंप होगा तो जगह जो है कम हो गया, नहीं हो गया, कम हो गया ना। और जब पीछे से रक्त जो धक्का खा के आ रहा है, हार्ट का काम क्या होता है, रक्त को पंप करना ताकि रक्त क्या हो, आगे बढ़े। और जब रक्त को पंप किया जाएगा इस केस में जो है रक्त यहाँ तक तो बहुत स्पीड से आएगा ये वाले स्थान तक, क्योंकि ये स्थान खुला हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ आके पहुंचा तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल पहले जमा हो गया है, ठीक है ना। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है तो पाइप का जो चौड़ाई था, जो खोखला स्थान था, वो क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा कम हो गया। जब कम हो गया तो जितना खून पीछे से चल के आ रहा है, जितना ब्लड चल के आ रहा है, उतने स्पीड में उतने इकट्ठे पास करेगा कि पास नहीं कर पाएगा, जब पास नहीं कर पाएगा ये बैक मारेगा। जब बैक मारेगा तो ये वाली नली जो आपको दिख रही है, ये वाली है ना, इसकी जो दीवार है, नली जो हमारी है, इसकी जो दीवार है, इस पे लोड पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक जो है पाइप हो, उसमें जो है पानी भरा हुआ हो, जा रहा हो समरसेबल से या फिर मान लीजिए किसी भी उपकरण से, और आप उस पाइप को आप पकड़ लीजिए तो आप देखेंगे पाइप एक बार क्या होगा, थोड़ा सा फूलता है कि सिकुड़ता है, क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पाइप है एक सिरे से, इसमें जो है ट्यूबवेल से या समरसेबल से जुड़ा हुआ, दूसरे सिरे से पानी निकल रहा है। अब मान लीजिए जिधर से पानी निकल, उसको आप पकड़ लिए इसे बंद करके जबरदस्त, तो जब पकड़ लेंगे उधर से तो पानी आ इधर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब बांध देंगे आप, पकड़ लेंगे तो निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। तो पाइप पे लोड पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो ऐसे क्या होता है, जब ये यहाँ पर रक्त जो है पूरा का पूरा एक साथ में पास नहीं हो पाता है, ये जो परत है, ये वाली परत और ये वाली परत, इस पे लोड पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। जब इस पे लोड पड़ता है तो व्यक्ति के सीने में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। अब कोलेस्ट्रॉल जो है इसका जो है इलाज डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन जो है कुछ सिस्टम लगा करके जो है इस नली के लोड को कम किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी के नाम से। बस हो जाए, इसमें से कोलेस्ट्रॉल को साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है बाईपास सर्जरी के माध्यम से जो है इस नली का लोड कम किया जा सकता है। हाँ, आप लोग कुछ जो कर्ड लीवर ऑयल वगैरह आता है मार्केट में, उसको खाने से बोलते हैं कि जो है लोग कहे बोलते हैं मछली खाना चाहिए, मछली के शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल को ना जमा होने के, मतलब कोलेस्ट्रॉल को ना जमने नहीं देगा यहाँ पर, उसके शरीर में कुछ ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं जो आपके लीवर की सफाई करते हैं। इसे आप लोग सुनेंगे लीवर कार्ड आयल, कार्ड लीवर आयल, मतलब जो एक मछली होती है उसका तेल जो है लीवर की, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अगर इसका मरीज है तो उसके लिए फायदेमंद होता है। अब ये जो है एक मामला आता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है कैसे जमा होता है, पहले इतना बनाइए फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पे जो है जो हमारा धमनी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, और धमनी जो कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाएगा उसके बाद जो है इसका इलाज कैसे किया जाए, तो सफाई तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ दिमाग लगा के सर्जरी करके जो है
काम चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक नली है, धमनी है, जिसमें जो है ब्लड क्या करता है, बहता है, ठीक ना, इसमें ब्लड जो है बहता है। अब यहां से मान लीजिए ब्लड ऐसे ऐसे आ रहा है और यहीं पर जो है ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे मान लीजिए मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल ना, यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा हो गया है, ये जो स्पेस है यहाँ का वो कम हो गया कि उतने रह गया, कम हो गया। तो जब यहाँ पे कम हो जाएगा तो ब्लड जो आगे जा रहा है वो वापसी करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो इस परत पर जो है दबाव नहीं डालेगा, दोनों परत पे दबाव डालेगा। जब दबाव डालेगा तो व्यक्ति को जो है सीने में क्या होगा, दर्द होगा। तो यहाँ पे जो है एक सिस्टम अपनाया गया, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, अब सोचेंगे क्या होता है, तो जैसे आप लोग सुनते होंगे, आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे जो है ना, अगर मान लीजिए कोई रोड जो बहुत जाम होता है तो वहां पे एक बाईपास बना दिया जाता है कि बाईपास जो है हमेशा के लिए जो है निकलता रहेगा, उस पे जाम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ लोड यहीं पे है जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, पूरे नली पे लोड नहीं है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा उसके आस पास है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली नली के जो है इसके लिए जो है हमारा जो थाई होता है जिसको जांग बोलते हैं, वहां से जो नसें होती हैं उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। और यहां से जब नस को निकाला जाएगा तो कुछ इस प्रकार लगा दिया जाएगा, मतलब जो हमारी मुख्य नली है उसके बगल से क्या कर दिया गया, कनेक्शन दे दिया गया। तो मान लीजिए अब इसमें जो है यहां पे जो मान लीजिए यहां पे 100 यूनिट जा रहा था, कितना जा रहा था, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट जा रहा था तो सब पास कर रहा था, नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया था। अब मान लीजिए बाईपास सर्जरी हो गया तो मान लीजिए 65 यूनिट इधर से चला जाता है, 70 यूनिट मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहां से 70 यूनिट चला जाएगा और यहां से 30 यूनिट, तो ये अगर मान लीजिए 70 यूनिट और 30 यूनिट जो है बट गया तो यहाँ पे लोड पड़ेगा ज्यादा नहीं पड़ेगा, जब नहीं पड़ेगा तो दर्द होगा नहीं होगा। तो बाईपास सर्जरी के माध्यम से जो है इस समस्या से जो है बचा जा सकता है, लेकिन ये महंगा पड़ता थोड़ा सा इलाज, बात सुनिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है हार्ट अटैक और उससे जो है बचने का तरीका, बात सुनिए, ठीक, इसको बना लीजिए।